अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ऑन रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इसे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक लाइन खींचेंगे, एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, जिसमें ओ ओरिजिन हो गया, इसकी वैल्यू हम मानेंगे जीरो। फिर एक एक इंच पर हमने मार्क कर लिया, वन टू थ्री मार्क कर लिया। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, यहां पर जीरो है ये और ये वन है, वन पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, कौन, ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन। क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींचेंगे, एक सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे वन, उसमें 90 डिग्री बनाएंगे, ए बी और ये भी कितना होगा वन और ये भी वन, ठीक। फिर इसको जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, और कंपास में ये डिस्टेंस भरेंगे, कौन सा डिस्टेंस भरेंगे, ओ बी, ओ बी डिस्टेंस भरेंगे कंपास में, ठीक है, और ऐसे करके इसको आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो है वो लाइन में कहाँ गिरेगी, पी पॉइंट पे गिरेगी। फिर से देखो, एक लाइन खींचेंगे, ओ ए वन सेंटीमीटर है, ए पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, ए बी ये भी वन सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर रेडियस भरेंगे कितनी, ये ओ बी रेडियस भरेंगे और एक आर्क नीचे गिराएंगे, जहां ये गिरेगी वो पॉइंट होगा पी और वो रूट टू की वैल्यू हो जाएगी। सेम क्या करेंगे, फिर यहां पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री किसे बना लेंगे, प्रोटेक्टर से बना लेंगे, प्रोटेक्टर को ऐसे करके रखेंगे, ठीक है, और ये 90 डिग्री बना लेंगे प्रोटेक्टर से, ठीक है, ये 90 डिग्री बना लिया। अब फिर उसमें से भी क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर लेंगे, कितना लेंगे, एक सेंटीमीटर, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद ओसी डिस्टेंस भरेंगे, ठीक है, फिर एक आंख नीचे गिराएंगे, तो ये जहां पे गिरेगी वो पॉइंट हो जाएगा क्यू, ये रूट थ्री की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा भी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में, अब ये तो हमारा वन था और ये भी वन था, तो ये वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आपको पता है पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, रूट टू हो जाएगा। फिर ये आपका वन है, वन का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, तो कितना बन जाएगा, रूट थ्री। इसलिए ये जो वैल्यू गिरेगी वो रूट थ्री की गिरेगी। अब रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री, और ये है वन, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है टू, तो ये जो लाइन गिरेगी ये टू की होगी, ठीक है, इसलिए हमने इस लाइन को नहीं गिराया, अगर हम गिराएंगे तो ये लाइन हमारी कहाँ गिर जाएगी, टू पे गिरेगी, लेकिन हमें टू चाहिए ही नहीं, हमें रूट फाइव चाहिए। अब हम टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, फोर, और वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन, तो फोर प्लस वन रूट फाइव, तो ये जो वैल्यू यहां से हम गिराएंगे ये रूट फाइव की गिरेगी। तो क्या करेंगे, यहां तक बन गया, फिर यहां पे 90 डिग्री बनाएंगे, फिर उसमें से वन कट करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर ये डिस्टेंस भरेंगे कंपास में, ठीक है। अब ये जो अगर गिराएंगे तो ये टू पे गिरेगा, क्योंकि ये टू की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब लेकिन हमें टू चाहिए नहीं, अब हम क्या करेंगे, फिर यहां 90 डिग्री बनाएंगे, फिर डी ई वन सेंटीमीटर कट कर लेंगे, फिर इसको कंपास में भरेंगे, किसे भरेंगे, ओ ई को, ठीक है, और फिर आप आर गिराएंगे, तो ये जो आर गिरेगी आपकी आर पॉइंट पे, ये रूट फाइव की वैल्यू होगी। देखो मैंने पूरा ढंग से लिखा है कि लेट एक्स डैश ओ एक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जहां पे एक्स एक्सिस पे ओ को ओरिजिन मानेंगे, जिसकी वैल्यू जीरो रिप्रेजेंट करेगी। फिर ओ ए कितना लेंगे, एक यूनिट लेंगे। फिर ए बी पर ओ ए बी प्रपेंडिकुलर होगा ओ ए, ये है ओ ए और ये ए बी प्रपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नाउ फिर हमें पता है हम ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। अब पाइथागोरस से हमें पता ही है ओ बी स्क्वायर टू कितना होता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी रूट टू, यानी ये जो वैल्यू इसके थ्रू गिरेगी वो हमारी रूट टू की वैल्यू हो जाएगी। सेम काम हम आगे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, विद ओ एज ए सेंटर, ओ बी इज अ रेडियस, ओ बी रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये हमने ओ बी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया था, जो कि कहां पे गिर रहा है, पी पे, तो पी क्या हो जाएगा, पी हमारी रूट टू की वैल्यू हो जाएगी, ठीक हो, तो बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, सिमिलरली हमने क्या करा है, नाउ ड्रॉ बी सी प्रपेंडिकुलर ओ बी, हमने यहाँ बी सी प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फिर हमने क्या करा है, बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, टू, ठीक है, रूट टू आई थी, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी रूट थ्री आ गई। फिर हम ओसे डिस्टेंस भरेंगे ओसी है, फिर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे रूट थ्री। इसी तरीके से हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, कि कैसे आप इसको लिखेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। इसकी मैं आपको पूरी पिक्चर भेज दूंगी, पूरा मैंने ठीक से लिख दिया है कि कैसे क्या इसको करना है।
ठीक है, इसकी मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी। अब सेम काइंड क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है मेरा फोर, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रूट सिक्स रूट सेवन को रियल नंबर लाइन पे। अब मेरे को रूट सिक्स के लिए इतना, मैं एक तो तरीका है कि पहले वाले मार्कर से रूट फाइव की वैल्यू बनाऊं तो वो बहुत सारा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी रूट फाइव की वैल्यू डायरेक्ट बना लूंगी। कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले एक लाइन खींचूंगी, ठीक है। फिर अब रूट टू का स्क्वायर जब मुझे बनाना है तो मैंने पहले एक लाइन खींची वन टू, ऐसे ये एक एक इंच पर डिस्टेंस है। अब मैंने क्या किया है टू पर, कहाँ पे टू पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, ये वैल्यू मेरी कितनी है टू है, और ये मैंने वन पर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ए पे बनाया है और इसको मैंने एक सेंटीमीटर कट एक इंच कट कर लिया है। फिर मैंने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद ओबी रेडियस लेकर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है। कैसे किया है, ये डिस्टेंस लिया है और एक आर्क मैंने नीचे ड्रॉ की है जो कि पी पॉइंट पर मीट कर रही है। तो ये जो वैल्यू गिरेगी ये मेरी रूट फाइव की वैल्यू होगी। देखो क्या हुआ, फर्स्ट हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे रूट फाइव की वैल्यू। कैसे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद हमें उसमें रूट सिक्स रूट सेवन की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, उस पर ओ ऑरिजिन होगा जो कि जीरो रिप्रेजेंट करेगा, ओ हम लेंगे टू यूनिट, ठीक है, एंड ए बी परपेंडिकुलर करेंगे ओ पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उनको जोड़ देंगे और ओ बी की वैल्यू कितनी आ रही हमारी रूट फाइव, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ओ बी की रेडियस लेंगे, ठीक है, विद ओ एज ए सेंटर है एंड रेडियो एंड ओ बी एज अ रेडियस एक आर ड्रॉ करेंगे जो कि ओ एक्स पे कहाँ मिलेगी पी पॉइंट पे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे हमें पता है कि रूट फाइव की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें पता है रूट फाइव का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट सिक्स होता है और हमें रूट सिक्स बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पर इस वाली लाइन पे फिर से हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बनाएंगे, किससे प्रोटेक्टर से बना लेंगे, ऐसे करके रखेंगे प्रोटेक्टर को और हम क्या करेंगे ठीक है ये 90 डिग्री बना लेंगे। बनाने के बाद उसमें से अब ये तो हमारी रूट फाइव की वैल्यू आ गई ये वन, फिर इसमें से वन कट करेंगे। अब जब हम ये ओसी को जोड़ेंगे ओसी से हम फिर आग कराएंगे वो क्यू पे गिरेगी, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी किसकी आएगी रूट सिक्स की आएगी। अब हमें रूट सेवन की भी चाहिए, फिर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, फिर इसमें से वन कट करेंगे, फिर ओ डी को जोड़ेंगे ये रूट सेवन होगा, फिर ये वाला आर्क भरेंगे ये रूट सेवन होगा, ठीक है रूट सेवन होगा, ठीक है। फिर ये डिस्टेंस भरेंगे कंपास में, ठीक है, और फिर ये आर्क नीचे गिराएंगे, तो जहां ये गिरेगी ये आर पॉइंट ये हमारी किसकी हो जाएगी रूट सेवन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात,